उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां बेरहमी से दो बच्चों की हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक जो पता चला है वो सब हैरान करने वाला है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना कोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। आपको इस केस की हर बड़ी कड़ी से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों की मां का बयान सुनिए। बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रूपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों करे दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने लोगों ने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जाते तेरे उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा, चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था, चाकू था बहुत धार सफेद का, स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद, और उसका क्या नाम जिसने मारा मुझसे? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? साजिद आया था, जावेद तो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया, ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। अब जरा इस मासूम बच्चे का बयान भी सुनिए, फिर आपको बच्चे के बाकी परिजनों के बयान भी सुनवाएंगे। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा, मैंने उनका चाकू हटा कर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा, कुछ पता है आपको? आपने दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ? और बहू से मेरी बोला कि मेरी बाइक प्रेग्नेंट है, मैं अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ, मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है, 2-3 घंटे का टाइम दिया, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो, 5,000 रूपये दिए। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं, मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काट, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 100 पानी मंगाया, पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर, मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा, देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस वाली पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे?
कौन? मारने के लिए कितने लेके आए? दो थे, दो दो दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है जानते? आपने पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है। क्यों? हमारे कोई मतलब तो रहता नहीं है, मैं तो ड्यूटी करती हूँ गार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं। इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग हमारे, बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। वजह यही थी कि ये भैया भैया कहते, अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ, तो भैया के चक्कर में वो चला गया। दोनों बच्चे मेरे 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है, वो जो जाने बात ही है, बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो दोनों भाई। नहीं व्यवहार देखिए, हमने हम रहते नहीं थे यहाँ, हम मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए जाइए, व्यवहार तो हमारा क्या करना मुझे उससे, तो कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है पता नहीं, इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है, थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। इस घटना पर पुलिस का जो बयान आया है अब जरा उसे भी सुन लीजिए। क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना कोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया, जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे परिवार बता रहे कि दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है, जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे? उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है, वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है, मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा हुआ था? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर, फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि घटना के बाद हालात पूरी तरह काबू में रहें।